नमस्कार दोस्तों। तो ये कल मैं जो वीडियो बनाया था अबाउट सूरज वाइटालिटी प्राणमय कोश, तो उसके कुछ डायग्राम्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो सूरज से वाइटालिटी ग्लोब्यूल्स, मतलब कुछ नीले कलर के, कुछ सफेद कलर के, खुला आसमान में आप देख सकते हैं। सूरज की तरफ मत देखिए, लेकिन जब सूरज ब्राइट हो तो आप आसमान की तरफ जब देखेंगे तो छोटे 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 ब्लू और व्हाइट कलर के बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्राणमय ग्लोब्यूल। और प्राणमय तो ये स्प्लीन को आता है, और स्प्लीन को आता है ब्लू और वॉयलेट आपके गले को जाता है, डार्क रेड और ऑरेंज आपके मूलाधार को जाता है, रोज रेड मतलब पिंकिश कलर का जो है वो आपके पूरे नर्व्स नर्वस सिस्टम में जाता है, ग्रीन कलर आपके मणिपुर चक्र या नेवल चक्र को जाता है, येलो कलर आपके हृदय चक्र को जाता है, और ये येलो आपके मस्तिष्क को जाता है। इधर नेवल चक्र से यानी मणिपुर से ग्रीन आपके पेट को जाता है, और आपको फाइनली इट गोस आउट ऑफ द बॉडी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जिस दिन सूरज रहता है आपका एनर्जी ज्यादा रहता है, जिस दिन सूरज थोड़ा कम रहता है आपका एनर्जी कम रहता है। तो ये ऐसे है। तो ये मैं कल जैसे बता रहा था, सूरज से फोहात इलेक्ट्रिसिटी, प्राण और कुंडलनी तीनों सूरज से ही आते हैं, ठीक है। ये वो बुक है hermeticinternational.com, ये आप साइट नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज्ञा चक्र में सिर्फ दो पेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। आज्ञा चक्र में 96 होते हैं, 96 स्पोक्स। तो ये 96 के दो हाफ हो जाते हैं। तो ये आपका सर के बीच में, मतलब सॉरी आईब्रोज के बीच में, आंखों के बीच में जो बिंदी है वो ये है। बाकी डायग्राम्स में दिखा दूं तो ये पूरा एनर्जी ऐसे आता है। ऐसे रोटेट होता है। ये देखिए 6 पेटल्स, 6, 1 2 3 4 5, 6। यही स्प्लीन है। ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से मतलब फ्रॉम स्प्लीन जो मैं कल बता रहा था आपके रिब केज में है, डार्क पर्पल और डार्क रेड इधर आता है मूलाधार में। मूलाधार से वो फिर आपके ब्लड ऑर्गन्स और फिर आपके ब्रेन को भी जाता है। और देखिए स्पाइनल कॉलम जो है वो एकदम एक सीढ़ी की तरह है, कुछ जेकब्स लैडर भी बोलते हैं। तो मैं वो डायग्राम देख रहा हूँ जहाँ बॉडी में हम लोग जो गलत फहमी में इतने साल से हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड एस सेक्रल चक्र या सेक्स चक्र बिटवीन मूलाधार एंड मणिपुर, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये ऐसे है, मूलाधार है, फिर मणिपुर है, फिर स्वाधिष्ठान है, और ये स्वाधिष्ठान स्प्लीन में है।
तो कुछ गधे बोलते हैं कि स्प्लीन को हटा देना चाहिए, ऐसे करके कुछ साइट्स में है जो गलत है। तो ये पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग ही गलत था पहले। तो यही मेन है स्प्लीन सेंटर। मैं आपको दिखाता हूँ स्प्लीन किधर है। इधर होता है स्प्लीन, ये है स्प्लीन। तो सूरज की रोशनी ऐसे आती है स्प्लीन को, और ये स्प्लीन हृदय को, मणिपुर चक्र को, मणिपुर चक्र इधर है, और नीचे मूलाधार को, और ऊपर विशुद्धि चक्र को, ऐसे ये स्प्लीन जो है यही भेजता है एनर्जी। देर इज नो चक्र बिटवीन दिस एंड मूलाधार। इधर आपका सोलर प्लेक्सस या मणिपुर है और नीचे मूलाधार है, इसके बीच में कोई चक्र नहीं है। यही गलत फहमी है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। सब सोचते हैं कि स्वादिष्टान इधर, इधर कोई स्वादिष्टान नहीं है, स्वादिष्टान इधर है, और ये एक्चुअली एनर्जी को लेता है। ऐसे, और वो आपके थ्रोट यानी गले को भेजता है। तो ये करेक्ट नॉलेज है, ये तो किसी को भी नहीं पता इंडिया में शायद। फोहत, प्राण, कुंडलनी तीनों सूरज से आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।